क्वेश्चन नंबर 201 में क्या बोल रहा है कि थ्री सर्कल्स है जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहा है। द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दिस थ्री सर्कल्स, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। आइए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। एंड तीनों आइडेंटिकल सर्कल है, हो गया। और हाँ जी, तो जब स्ट्रिंग को हम टाइट करेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहां से पहले ऐसा दिखेगा, फिर एक पोर्शन में ऐसा दिखेगा, ध्यान रहे ऐसे, फिर एक पोर्शन में ऐसे दिखेगा। फिर आप बोलेंगे बाकी क्या पार्ट में स्ट्रिंग नहीं है? आंसर है दो, स्ट्रिंग तो है लेकिन वो है इसके अलोंग मूव करेगा, जो सर्कल का पार्ट है ना उसी के अलोंग मूव करेगा, ऐसे करके। बहुत सही। तो फिर हमें करना क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमें पता है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ऐसे होगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये रेडियस है, रेडियस है, ऊपर आ गया 2r। सिमिलरली हर एक जगह ऐसे करके 2r 2r आ जाएगा क्योंकि रेडियस सेम है, आर आर 2r। यहाँ पे भी देखेंगे आर आर क्या आ गया, 2r आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात ये है कि ये तो हो गया लेकिन ये जो सर्कुलर पार्ट है उसको कैसे निकालेंगे। तो अगर हमने तीनों सर्कल को ऐसे ज्वाइन किया, तीनों सेंटर को ज्वाइन किया, तो सीन क्या है आइए देखिए। ये आपका हो गया 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री। 180 और 60 मिलके कितना हो गया, 240। 240 डिग्री तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। बाकी ये जो आर्क वाला पार्ट है इसके लिए एंगल कितना बचा, बोलेंगे भैया 120 डिग्री बचा। बहुत सही, 120 डिग्री यहाँ पे, 120 डिग्री यहाँ पे, 120 डिग्री यहाँ पे। आप ऐसे समझे कि रेडियस तो सभी जगह सेम है ना, तो ए आर्क का लेंथ यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2r 2r 2r, 6r प्लस 3 टाइम्स l। r का वैल्यू कितना है 7, तो 7 एंड 6 मिलकर 42 हो गया, प्लस 3 टाइम्स। l कितना आएगा, l आएगा पाई इंटू आर इंटू आर जो कि 7 है, इंटू थीटा है 120। और फॉर्मूला जो होता है l का ये क्या होता है, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री होता है, तो नीचे आपका 180 आ गया। हमारा कहना है कि कट पीट के ऊपर तो 2 आ गया, आ गया है कितना 42 प्लस 14 पाई, तो 42 प्लस 14 पाई सेंटीमीटर, जो कि सही आंसर इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेना है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कब, जब तीनों का रेडियस सेम है और ऐसे ही एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस केस में आएगा 6r प्लस 2πr। ये बातें ध्यान रखनी है। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।